नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में आज 15 मार्च 2024 को। अब मैं अधिकतम तापमान की बात करूं पिछले 24 घंटे में, जो कल की अगर बात करी जाए तो आप देख पा रहे हैं जो उत्तरी पश्चिमी भारत का हिस्सा है वहां पर जो तापमान 26 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखा गया। इसी के साथ साथ जो मध्य हिस्सा है जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और उससे जुड़ा हुआ पूर्वी हिस्सा, जो वहाँ जो टेम्परेचर जो 32 से लेकर 34 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखा गया। और मैं दक्षिणी प्रायद्वीप भारत और उससे जुड़े हुए केंद्रीय भारत की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि जो तापमान है लाल या उससे गाढ़ा लाल रंग दिखा रहा है कि तापमान 34 से लेकर 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखा गया पिछले 24 घंटे में। और मैं अगर उसके डिपार्चर की बात करूँ तो जो पीला रंग है वो दिखा रहा है डिपार्चर पॉजिटिव ट्रेंड में, जो लाल रंग के कुछ कुछ बिंदु दिख रहे हैं वो दिखा रहा है कि जो डिपार्चर है वो 3.1 डिग्री से ज़्यादा सेंटीग्रेड है। और मैं मुख्य बिंदु की बात करूं तो आज की पूर्वी और मध्य भारत में 16 से लेकर 19 मार्च के दौरान तेज गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। और मैं आज की मौसम विडाली सिनोप्टिक सिस्टम की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि आज एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पूर्वी आसाम के ऊपर है, दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी उड़ीसा के ऊपर है और एक तीसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो साउथ इंटीरियर कर्नाटक के ऊपर है। इसी के साथ साथ जो एक ट्रफ है वो आपका उड़ीसा से लेके विदर्भ तक है, दूसरा ट्रफ जो है महाराष्ट्र से लेके कोमरिन एरिया में देखा जा सकता है। और मैं अब रेनफॉल और वार्निंग की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आज के लिए आइसोलेटेड ही रेनफॉल देखी जा सकती है, लेकिन इसी के साथ साथ जो थंडर स्टॉर्म जो वज्रपात की संभावना है वो GW गंगटी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में होने की संभावना है। और मैं डे टू यानी कल की बात करूं 16 तारीख की तो आप देख पा रहे हैं कि जो रेनफॉल का जो स्थान है थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन जो रेनफॉल है वो आइसोलेटेड ही देखी जा सकती है। कुछ जगह झारखंड और GW में जहाँ स्कैटर्ड रेनफॉल होने की संभावना है, नॉर्थ ईस्ट में भी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगी। इसी साथ साथ आप देख पा रहे हैं जो थंडर स्टॉर्म की जो स्थिति है वो ईस्ट इंडिया से लेकर सेंट्रल इंडिया तक जा रही है, जिसमें आपका पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगटी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जहाँ थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है गरज के साथ कल। और डे 3 यानी 17 तारीख की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं रेनफॉल की जो दायरा वो बढ़ गया है, थोड़े इंटेंसिटी भी बढ़ गई है GW उड़ीसा में और नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल कंटिन्यू है। और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है जो डे 2 में वो डे 3 में भी रहेगी, लेकिन इसी साथ साथ विदर्भ में हेल या ओलावृष्टि होने की संभावना भी है। डे फोर यानी 18 तारीख को रेनफॉल जो है वो ईस्ट इंडिया और उससे जुड़े हुए सेंट्रल इंडिया में रहेगी और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी पूरे ईस्ट इंडिया और उससे जुड़ा हुआ सेंट्रल इंडिया में रहेगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखी जा सकती है। इसी के साथ साथ हेल स्टॉर्म की जो प्रोबेबिलिटी है वो पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में हेल स्टॉर्म की प्रोबेबिलिटी है। और डे 5 की बात करूँ तो एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी पूरे ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और इसी के साथ साथ उड़ीसा में एक दो जगह पर भारी वर्षा भी देखी जा सकती है और हेल स्टॉर्म भी ईस्ट पूर्वी मध्य प्रदेश में हेल स्टॉर्म भी एक दो जगह देखा जा सकता है। और केरला, तमिलनाडु और रायलसीमा में हॉट और ह्यूमिड वेदर रहने की संभावना है अगले 2-3 दिनों तक। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।